नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं मुसाफिर अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि अभी हम जहां जा रहे हैं वो है एक मंदिर जिसका नाम है बाग बागेश्वर। काफी पुराना मंदिर है और कई साल पहले मैं यहाँ गया था। आप समझ लीजिए बचपन में ही गया था, क्योंकि हमें मौका मिला और हम चाचोड़ा से एमपी से अब हम राजस्थान जा रहे हैं, तो रास्ते में मंदिर है। और चूंकि सावन का महीना भी लगने वाला है तो भगवान भोलेनाथ, ये देखें आप, श्री धाम बाग बागेश्वर, पहले ही गेट नहीं था तो आप धीरे धीरे विकास होता ही है। तो ये मंदिर आज कितना विकसित हो चुकी होगी, मतलब ये स्थान पूरा, ये आज मैं देखूंगा। तो देखें आप, जंगल के बीच में से एक छोटा सा रास्ता गुजर रहा है और हम पहुंचेंगे बाग बागेश्वर। बहुत ही अच्छा स्थान है, जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनको पसंद है ऐसी कोई जगह तो आप बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर। और इधर ही ऊपर आप देख सकते हैं चाचोड़ा का किला भी है। ओहो क्या बात है, ये जगह तो बहुत ही अच्छी हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो मैं गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखिए आप, तो यहाँ पर सागवान के और पलाश के बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। देखें आप पक्षियों की आवाज, झूले भी हैं यहाँ पर और सावन के झूले कितनी अच्छी जगह है, आप देखें। बड़ी अच्छी तरह से ये झूले यहाँ पर बनाए गए हैं और मंदिर भी काफी खूबसूरत है। इसके पीछे आप देखें अगर भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आप कुआ बोल सकते हैं, कुंड बोल सकते हैं। और इधर देखें आप हैंडपंप भी, मतलब अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। इसके ऊपर भी कितनी अच्छी छतरी यहाँ पर है, पीपल का बहुत पुराना विशालकाय वृक्ष। और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं। ये जो मधुर ध्वनि है घंटी की आपके कानों में पड़ती है। और पीछे आप देखें बहुत उस साइड से नजर आएगा ओम, एक लुक आपको 360 डिग्री मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं। ये देखें ये जो मूर्ति है भगवान शिव की, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पीछे जो मैं आपको बता रहा था, ये किला चाचोड़ा का किला, तो चाचोड़ा एक ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। और इधर देखें आप विशालकाय बरगद का पेड़ आपको नजर आएगा। और घास को भी बड़े अच्छे से इन्होंने पेड़ का रूप दे रखा है, ये भी आप देखें।
तो कई सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ। सावन का महीना लगने वाला है और ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में आप दर्शन करने ना जाएं तो कुछ अधूरापन सा रह जाएगा। पंडित जी यहाँ पर घंटी बजा रहे हैं और इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें तो शांति मिलती है यहाँ पर। अब मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेता हूँ। इस वीडियो को मुझे अब रखना होगा, मैं मंदिर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप परिवार के साथ आए यहाँ पर, ज़रूर आप बोल सकते हैं एमपी राजस्थान सीमा पर ही है ये, लगभग यहाँ से कुछ किलोमीटर हम चलेंगे तो राजस्थान की सीमा में आप प्रवेश कर जाएंगे। पहले जो ये स्थान था इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, अब ये स्थान काफ़ी विकसित हो चुका है और अभी भी प्रोसेस जारी है। तो आपको शांति सुकून चाहिए, बिल्कुल आपको भगवान के दरवाजे पर, भगवान के मंदिर में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और कहीं भी मंदिर, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मंदिर जो जंगल के बीच में है उसकी बात ही कुछ अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं मुसाफिर अमित अब आपसे बाय बाय कहता हूँ। गुड बाय, कीप एंजॉइंग, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।